सारो खुला दे तो सारो खुला जी, यो इन्नो बंद हो गया, आगू बंद करने की कह दियो, अरे यो पानी लो गेरा ताखड़ा बाल्टी हो इन्ना बैंड कर दियो, मारो पानी आवे कौन मारो, मैं को नहीं पानी को नहीं, खाली वही ये सरपंच कुछ नहीं कर रहा है, सरपंच मर गयो, मर गया क्या कारण है वो, क्या कारण तो मर गया तो नाल तो कटे कौन बेटा, अरे सरपंच मर गया, मत कौन दे पानी इन्ना कह दियो मेरो पानी इंचाने तो सब पानी दिख रहा है तो सरकार वो सरपंच बने तो खर्च कटा न सके नहीं। नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। हम आज यहां पर बोना के गांव चंद्रावड़ में हैं और अभी कुछ दिन पहले यहां एक पत्रकार के साथ में कुछ वारदात हुई थी और आज जान लेते हैं गांव चंद्रावड़ की स्थितियों पर और क्या है गांव चंद्रावड़ के लोगों का कहना, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गांव चंद्रावड़ की और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये गांव की मुख्य गली है जो गांव के बार बार जिसको फिरनी बोला जाता है और उसकी हालत जो है यहां हम देख सकते हैं किस प्रकार से है, जो कि करोड़ों की ग्रांट जो सरकार द्वारा दी जाती है, क्या कारण है वो ग्रांटें कहाँ लगाई जाती है सरपंचों द्वारा और पंचायतों द्वारा, और यहाँ की स्थिति हम जान लेते हैं। कुछ लोग भी बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। और पहले तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पानी यहाँ गलियों में खड़ा हुआ है और लोग किस प्रकार महामारी का सामना गांव में कर रहे हैं, ये स्थिति से आप जान सकते हैं कि ये देखिए। और एक तरफ तो सरकार जो है नए नए दावे करती है कि भी घरों के आगे पानी ना खड़ा होने दें, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, टायरों में पानी ना जमा होने दें, कूलर में पानी जमा ना होने दें, जिस प्रकार से डेंगू जो है भारी मात्रा में गांव में फैलता है और मलेरिया के भी अनेकों केस देखने को मिलते हैं गांव में। तो यहां आप देख सकते हैं कि गलियों की क्या हालत है गांव चंद्रावल के, और जब इन्हें दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं पत्रकार बंधुओं के साथ में, पत्रकार साथियों के साथ में या कुछ लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और उनका बहिष्कार किया जाता है। ये देख सकते हैं कि आप इन गलियों का क्या हालत है। ये गांव चंद्रावल की गली है और ये देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से यहां पर परेशान हैं। और बाकी कुछ लोग यहां बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए ये गलियों के हाल है और ये जो सरकार के जो दावे हैं कहीं ना कहीं गांव में सरपंचों और पंचायतों द्वारा ये हालात जो है गांव के कर दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो करोड़ों की जो ग्रांट यहां गांव में मिलती है वो आखिर कहां जाती है। आंटी जी, किस चीज का पानी आप निकाल रहे हैं? ये पानी मेरा निकाल लियो। किस चीज का है ये? तो नाला है इधर गंदा नाला ठहरते हैं पूरा खेकर में काटू। अच्छा, नाला बंद किया हुआ है? बंद किया, रुकन करे बंद। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, हमें पूछ रहे नाला बंद है आगे तक, इसकी पानी की निकासी नहीं हो रही है। तो पंचायत क्या कर रही है? सरपंच कुछ नहीं कर रहा है? सरपंच तो मर गया क्या कारण है? वो क्या कारण तो मर गया तो नाला तो काटे कौन बेटा, अरे सरपंच मर गया समझ ले। तो मतलब गंदा पानी आपके घरों के आगे जमा है? वो देख लाता है, मैं तो बैठा था नहीं, सिर जा रही है। और कहीं ना कहीं बीमारी का भी सामना आपको करना पड़ता है? बीमारी आठ बैठक में सवा में तो अच्छा बीमारी तो आवा नहीं, बांस आवा बहुत बुढ़ी बांस आवा है, सरपंच तो मर गया जीवन तो ही। आप चंद्रावल गांव से ही हो? हाँ। तो ये क्या दिक्कत है जी, यहाँ जो ग्रांट आती है सरकार द्वारा दी जाती है पंचायतों, क्या लगाई नहीं जाती है यहाँ पे गांव में? लगाओ जी। तो क्या कारण है गांव वाले इसके बारे में? के पास जावा जी, इनका नाला रोका है, बोले मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी को नहीं, दरखास्त दे दे बोले, मेरे ऊपर लगा दे बोले दरखास्त, इस तरह की बात कहते हैं। तो अभी जो कोरोना की जो स्थिति देश में चल रही है उसके अतिरिक्त सरकार या पंचायत द्वारा कोई आपके गांव में कार्य कराए हैं अभी कोरोना को लेकर, कोई ऐसी स्थिति कोई या कोई सुविधाएं जो है लोगों को दी गई है? कोई सुविधा नहीं दी गई है। और ठेरता है भैया, देखो ठेरता है पानी कट कट, मैं तो बुरी को नहीं हूँ, सब बुर रखे ठेरते हैं, पानी निकलना चाहिए, गलत कौन है पानी इतना कह दू, मेरे पानी इंचाने तो सब पानी तो सरकार वो सरपंच बने तो खर्च कटा सके नहीं। नहीं, सरपंच की जिम्मेवारी बनती है, सरपंच है गांव की जो है सरकार है, सरपंच सरपंच को लोगों को जो है सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि सरकार करोड़ों की ग्रांट और लाखों की ग्रांट जो दे रही है आखिर वो जा कहां रही है? तो ताऊ जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? गांव चंद्रावल से ही हो आप? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? साठ साल हो रही है। अच्छा, हो रही है 60 से ऊपर होगी, तो यहाँ विकास कार्य नहीं होते, ऐसे ही रहता है। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ये निकलना चाहिए, तो आप लोगों ने कभी लिखित शिकायत दी है इस बारे में अधिकारियों को? कभी सरपंच से बातचीत तो की होगी आप लोगों ने? सरपंच तो थोड़ा बूझ रहे हो, दो गड़ा दी माटी सरपंच।
मिट्टी किसने नाला बंद करवाया, किसने करवाया? माम करवाया, सारो खुला जी, तो सारो खुला जी, यो इनो बंद हो गयो, आगू बंद करने की कह दियो, यो पानी लोग बाल्टी हो इन बैंड काट दियो, मारो पानी आवे कौन मारो, मैं को नहीं पानी को नहीं, खाली वही पड़ी है। तो सरपंच के कार्यों से आप खुश नहीं है गांव में? एक खुश नहीं है आप सरपंच के काम? खुश नहीं है। देखिए आप, बरसाती नाला है और जो कि कुछ इसका हिस्सा जो है ये खुला है, बाकी जो हिस्सा आगे तक बंद है, जबकि पंचायत की जिम्मेवारी बनती है इसे खुलवाने की और सुचारू रूप से चलाने की। तो यहाँ आंटी जी ने बताया कि भी जो है कि काफी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है और आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है गांव में गंदगी के माहौल में जीने को मजबूर है और जो करोड़ों की ग्रांटें जो गांव में आती है सरकार के द्वारा दी जाती है वो कहीं ना कहीं जो है गांव में नहीं लगाई जाती है और अपना पेट भरने का कार्य जो है यहाँ पंचायतों द्वारा किया जाता है। रावल के इन सरपंच साहब के लिए जो गांव वालों के अंदर यह दर्द और पीड़ा है शायद बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ऐसा सरपंच बिरले ही मिलेगा जो अपने घर का काम कराता हो और बाहर ना कराता हो। हमारी कोई सरपंच से दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी है उसके कामचोरी की वजह से। हमारी उससे दुश्मनी है क्योंकि उसने लोगों के लिए काम नहीं किया। आप देख सकते हैं सरकारी पैसे का किस तरीके से उसने दुरुपयोग किया है। हमारी दुश्मनी सरपंच या इस तरीके के चुने गए किसी प्रतिनिधि से जानबूझकर नहीं होती। और अगर आप हमारे पत्रकार साथी को किसी भी प्रकार की सवाल उठाने से पुलिस के साथ मिलकर उसको प्रताड़ना देना या झूठा करार करना करते हैं तो यह सरासर गलत है। हम अपने पत्रकार को भी इजाज़त नहीं देते कि वो सिर्फ सरपंच से खुन्नस की बात करे, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं या मुद्दों की लड़ाई है। अगर गांव में इतनी गंदगी है तो सफाई कर्मी है कहाँ? सफाई कर्मी को क्या पंचायत देखती है या कोई और देखता है? या आप खुद तय करेंगे, खट्टर साहब तय करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि गांव चंद्रावल के लोग विकास में रहें, साफ सुथरे तरीके से रहें, क्योंकि अगर यह सरपंच अपने जाति का होने का दम भर के कहीं विकास करेंगे कहीं नहीं करेंगे तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। आप किसी को जाति सूचक गालियां दे सकते हैं, पुलिस आपके सामने ही गवाह को लाने का दबाव बना सकती है, लेकिन अदालत की लड़ाई हम अदालत में देखें, कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गांव का विकास नहीं कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का सौदा कर रहे हैं, पैसों की चोरी कर रहे हैं, तो सरकार यह आपको अपना घर बनाने के लिए नहीं देती, इन गांव के लोगों के लिए देती है। क्या चंद्रावल का यह सरपंच खट्टर सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा हो सकता है? शायद नहीं। सरपंच की इसी दकियानुसी जातगत भावनाओं से शायद चंद्रावल का विकास रुका पड़ा है। बड़े लोगों होते हैं, बड़ी जाति के लोगों होते हैं जो संरक्षक देते हैं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, विकास का तरीका देते हैं और गांव की बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने लिखने का और साफ सुथरा स्वस्थ माहौल देते हैं, ना कि उनकी जान पर खेलते हैं। सरपंच पूरे गांव के हैं, चंद्रावल के हैं। देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गाँव के।